हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे हस्बैंड की स्पेशल रेसिपी जो कि उन्होंने बनाए थे आलू छोले। तो इसके लिए उन्होंने छोले रात भिगोने को रख दिए थे और सुबह उठते ही मैंने कहा सोचा मैं बना देती हूँ, पर उन्होंने नहीं, आज मैं ही बनाऊँगा। मैंने कहा ओके चलो बना दो आप। तो उसके लिए बस कुकर में छोले रख दिए पकाने को और इसमें 2 से 3 हमने आलू ऐड कर दिए, क्योंकि हमारा बेबी अच्छे से आलू खा लेता है तो इसलिए हमने इसमें आलू ऐड कर दिया। और थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। तो बस कुकर को बंद कर दिया और इसमें लगा दिया हमने 5 से 6 बिसल। यहाँ पे कढ़ाई में ले लिया ऑयल। ऑयल आपने लेना है अपने प्याज के अकॉर्डिंग, जितने आपने प्याज कट किए हैं। तो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट किए थे और बस ये ऑयल गर्म हो गया। इसमें हमने एक तेज़पत्ता और 2 लौंग ऐड कर दी। उसको अच्छे से थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। प्याज हमने फाइनली चॉप करना है। आप चाहो तो चॉपर में भी कर सकते हो या फिर आप अगर ऐसे ही चॉप कर सकते हो तो वैसे भी कर सकते हो। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखो अब अच्छे से हो गया है ब्राउन। इसमें ऐड कर दिए मैंने टमाटर, 2 बड़े टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए। इसको 2 मिनट पकाने के बाद इसमें ऐड कर देंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और 1 बड़ा चम्मच हल्दी, 1 पिंच हम हींग ऐड कर देंगे। ये डाइजेशन के लिए अच्छी होती है इसलिए ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम चना मसाला, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो नहीं कर सकते। और थोड़ा सा हमने जिंजर गार्लिक को हमने क्रश करके वो भी ऐड कर दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इससे थोड़ा सा पकने के बाद हमारे गार्लिक और अनियन अच्छे से पक गए तो और देखो सेपरेट हो गया ऑयल अच्छे से, तो ये बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पे हमारे चने भी बिल्कुल पक के तैयार है। तो ये यहाँ पे चेक कर रहे थे आलू को, एकदम रेडी है बिल्कुल, देखने से भी पता चल रहा है। तो अब इसमें सब कुछ मिक्स कर देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से और हम जो है आलू को अच्छे से इसमें मैश कर देंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये आलू भी हमारे मैश हो गए हैं। थोड़े से 2 मिनट पकने के बाद इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो अगर कोई नहीं पसंद करता है तो। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बस अब इसमें ढक्कन लगा के इसको थोड़ी देर पकाएंगे और हमारे छोले हो गए हैं बिल्कुल रेडी। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी क्विक वाली पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब फॉर मोर।